जी थी, लेकिन आपका फेस नहीं जानते थे, कहीं ना कहीं नर्वसनेस था शुरुआत में। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स नर्वसनेस लगता था कि इतने दूर तक आओगे, टॉप 3 में आओगे। इतना दूर तक तो नहीं, जब मैं आया था तो मुझे लगा हफ्ता दो हफ्ता ही है मेरे पास में जो जो मैं जो भी मैं कर सकूं, लेकिन लकीली मुझे काफ़ी लॉन्ग रन मिला, काफ़ी लॉन्ग इनिंग्स खेली मैंने, और आवाज़ तो थी ही, लेकिन उसके बाद बाद में एक सूरत भी मिली। तो इस प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कई लोग जो हैं अमूमन यू नो बिहाइंड द सीन रह जाते हैं, और मेरा सामने आना जो है ये 14-15 साल का एक सफ़र रहा है, और बहुत कठिनाइयों से, कई बहुत अमूमन लोग कहते हैं कि मेरा स्ट्रगल बहुत रहा है, मेरा वाकई रहा है, क्योंकि मेरे हाथ में रेडियो तो आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कहा गया कि तुम एक रेडियो की पर्सनैलिटी हो, तुम टेलीविज़न पर नहीं आ सकते, या तुम्हारा एक अलग दृष्टिकोण है। तो वो ब्रेक हुआ बिग बॉस से, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो एक्चुअली एक एक्टर पीछे छुप गया था रेडियो के पीछे, वो सामने आएगा, और जो भी मौका मिलेगा, जो भी प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो ज़रूर काम करेगा। बिल्कुल, आपके सब्र का बांध एक बार ही टूटा जब आपके फैमिली मेंबर्स का नाम घर में लिया गया। जी जी जी। तो क्या कहेंगे इस बारे में, मतलब ज्यादा ही कुछ हो गया था ऐसी, आप क्या फीलिंग हो रही थी? नहीं, एक्चुअली फैमिली मेंबर का नाम एक ऐसे टाइम पर आया जब एक टास्क के बाद में गौतम नाराज हो गया था, और गौतम का कहना था कि किसी ने उसे सपोर्ट नहीं किया, प्लस अली ने जो किया उस